Since early May, India reported close to 100 cases of tomato flu, and all the cases were amongst kids under the age of 9. 4 months earlier, in May, Kerala reported country's first case of tomato flu, and since then it has spread to other parts of the country. Here's what you need to know to prevent yourself from tomato flu. What is tomato flu? टोमेटो फ्लू एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि एक कम्युनिकेबल डिजीज जो एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी माध्यम से फैलती है। जैसे कि इसमें दो वर्ड्स हैं, टोमेटो और फ्लू। टोमेटो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो लीजन्स होते हैं, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, वो रेड कलर के और यूजली थोड़ा टोमेटो के छोटे टोमेटो के साइज के हो जाते हैं, उसी शेप के होते हैं। और फ्लू क्योंकि ये इसमें फ्लू के सिम्टम्स हैं जो यूजुअली इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं और वायरल डिजीजेज में जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको कम्बाइंडली टोमेटो फ्लू कहते हैं। लेकिन इसका टोमेटो यानी टमाटर से कोई लेना देना नहीं है, जो वेजिटेबल टोमेटो है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। How is tomato flu caused? टोमेटो फ्लू जो है ये यूजली छोटे एज ग्रुप में 10 से कम और अक्सर देखा गया 5 से कम एज ग्रुप में, जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है या स्मॉल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उस तबके में ज़्यादा होता है। और ये हाइजीन नहीं रखने से हाथ पैर गंदे होते हैं, इसको हैंड फुट माउथ डिजीज भी कहते हैं, ये उसी का एक वेरिएंट है जिसमें साफ सफाई बच्चे नहीं रख पाते तो इसलिए उनको ये बीमारी लग जाती है। और अगर एक किसी को बीमारी है तो ये किसी दूसरे को भी टच करने से हो सकती है, या जैसे नोजोकोमियल होते हैं, सांस वगैरह से या रेस्पिरेशन से, खांसी से, छींक वगैरह से फैलते हैं, उससे भी एक दूसरे को फैल जाता है। और क्योंकि अगर एक कम्युनिटी में अगर सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा गया और बच्चे पूरी तरह से हाइजीनिक नहीं है, हाइजीन वे में नहीं रह रहे, तो उसमें फिर ये ज़्यादा फैल जाता है। What are the symptoms of tomato flu? जैसे फ्लू के सिम्टम्स हैं, ये किसी को फ्लू के सिम्टम्स अगर होते हैं तो उसमें 4-5 डिजीजेज हैं जो बड़े कॉमन हैं, जैसे डेंगी है, चिकनगुनिया है, वेरिसेला जोस्टर है, हर्पीस है, जीका वायरस है। तो ये फ्लू के सिम्टम्स जो हैं, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बुखार है, मेलेज है यानी कि फीलिंग ऑफ इल बींग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ज्वाइंट पेन्स, ज्वाइंट स्वेलिंग, बॉडी एक्स, जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू के। उसके बाद जो पैथोक्नोमिक सिम्टम्स अगर इसमें आ जाते हैं जो टोमेटो फ्लू के लिए स्पेशल होते हैं, उसमें रेड कलर के स्पॉट्स ऑन द बॉडी, मेनली ऑन सोल्स एंड पाम, और जो उसका साइज थोड़ा सा दूसरे दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स में फिर उसका साइज और बड़ा होके 2-3 दिन में ऑलमोस्ट एक स्मॉल टोमेटो की तरह साइज हो जाता है। तो क्लिनिकल बेसिस पे इसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह इसके कुछ है नहीं, वो हम डिटेल में भी बात करते हैं, और क्लिनिकल बेसिस पे ही इसको डायग्नोस करते हैं। तो फ्लू के सिम्टम्स हो, साथ में ये रैशिस और ब्लिस्टर्स अगर हो जाते हैं और सोर्स हो जाते हैं मुँह के अंदर भी, जो सोर्स होते हैं जैसे छाले सर होते हैं मुँह के अंदर, गम्स के ऊपर, जबान के ऊपर और चीक्स के इनर साइड में। अक्रेंस इसकी सिर्फ साउथ इंडिया में ही मिली है और ये मई में सब फर्स्ट केस आया, मई 2022 में फर्स्ट केस आया है और जुलाई तक के लगभग 82 केसेस कोवलम डिस्ट्रिक्ट है केरल वहाँ आए हैं, और उसके बाद ये उड़ीसा में देखा गया है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में, उड़ीसा में 26 केस रिपोर्ट हुए हैं अगस्त में, जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट एडवाइजरी आई है अगस्त की, उसमें यही रिपोर्टेड है। और इसके अलावा ये तमिलनाडु में है और बाकी साउथ से अलावा ये कहीं इंडिया में पाया नहीं गया, अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये बहुत नई एंटिटी है, इससे बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं है, वी डोंट हैव मैनी स्टडीज ऑन दिस। बाकी जो इसको डायग्नोज जो करना है उसके लिए बाकी बीमारियों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें जैसे कि डेंगू है मैंने बताया, चिकनगुनिया है, जोस्टर है, वेरिसेला है या जीका वायरस है, इनके लिए जो मॉलिकुलर टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है वो करके, और जो एंटीबॉडीज का टेस्ट है, सीरोलॉजी कितना टाइटर है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का, उससे ही डायग्नोज हो जाते हैं। अगर वो सब चीज़ें रूल आउट होती हैं, देन वी डायग्नोज इट एज ए टोमेटो फ्लू। What are the symptoms of tomato flu?
how can we stop tomato flu from spreading? Prevention is always better than cure. And for prevention, especially for those diseases जिसमें आपका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, उसके लिए प्रिवेंशन ही बेटर है. और खासकर कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक से दूसरे को, दूसरे से चार को, चार से आठ को फैलता है, तो एक चेन रिएक्शन होता है. तो ये प्रिवेंशन के लिए हाइजीन, जो आप कोविड प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, यानी कि हैंड हाइजीन है, डिस्टेंस है, मास्क वगैरह है, वो कंटिन्यू रखें. और हाइजीन इज दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू प्रिवेंट टोमेटो. अगर हाथ पैर अच्छी तरह साफ किए जाए, बच्चों के उंगली मुंह में नहीं डालें, अच्छा रहेगा कि इनके लिए प्रिवेंशन रहेगा और ये बीमारी उनको नहीं होगी. मिथ्स रिलेटेड टू टोमेटो. नहीं, मिथ्स ये है कि इसको टमाटर के साथ कुछ लेना देना है, जो वेजिटेबल है वो खाने से हो जाता है या वो नहीं खाने से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. इसको टोमेटो से कोई लिंक नहीं है, जो वेजिटेबल टोमेटो है उससे कोई लिंक नहीं है. दूसरा ये है कि सीरियस बीमारी हो जाए, ऐसा भी थोड़ा मिथ है, लेकिन कुदरती है, ये फॉर्चुनेट है कि ये सीरियस नहीं है. और ऑलमोस्ट 5 to 7 days ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है. ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक सम केयर फॉर दी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम टोमेटो. हाँ, जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है, कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है. ये एक कॉक्सेकी A16 वायरस से होता है, जो एक तरह का एंट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरस है. और उसके लिए हम सिर्फ इसको जो सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है. जैसे फीवर है तो पैरासीटामोल दे देते हैं, अगर इचिंग वगैरह हो रही है, रैशेस में खारिश हो रही है, तो कोई एंटी एलर्जिक हम उसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन और कोई दवाई इसमें एडवाइजेबल नहीं है. और जो सोर्स हैं या जो रैशेस हैं या ब्लिस्टर्स हैं, उसमें आप थोड़े कोसे पानी से, गर्म पानी से स्पॉन्जिंग करते हैं तो वो रिलीफ मिलता है. एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है इसमें रोगी का. और बाकी ये ध्यान तो बहुत ज़रूर रखना है कि उसके जो बर्तन हैं, बेडिंग्स हैं, जो उसके यूज़ की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल अलग रहें बाकियों से, ताकि वो दूसरों को ना फैलाए. तो उसको रीएश्योर करें रोगी को. और 5 to 7 days का आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, कि 7 days वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई नामो निशान नहीं रहेगा. और इसमें कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है कराने की, क्योंकि बाकी जो टेस्ट दूसरे वायरल डिजीज के लिए हम करेंगे, उनकी रिपोर्ट आने में 2-4 weeks लग जाते हैं. हम उतना वेट भी नहीं करते. हम क्लिनिकल बेसिस पर डायग्नोज किया तो हम ये छोटा सा इलाज जो अभी संभव है, अवेलेबल है, वो करते हैं और रोगी को रोग से मुक्त करते हैं.